हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। फाइनली सड़क 2 का ट्रेलर हो गया है रिलीज। आलिया भट्ट और आदित्य रॉय कपूर की दिखाई दे रही है लव स्टोरी। इतना ही नहीं, संजय दत्त का भी दमदार अंदाज नजर आ रहा है। लेकिन इस फिल्म के फैंस के लिए एक बुरी खबर हम लेकर आए हैं और वो खबर ये है कि ये फिल्म मुश्किलों में घिर सकती है, क्योंकि इस फिल्म पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही है और इसीलिए इस फिल्म को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कानूनी पचड़े में पड़ सकती है सड़क 2। बता दें कि इस फिल्म का ट्रेलर आ गया है, ट्रेलर को फैंस काफी पसंद भी कर रहे हैं। आलिया और आदित्य रॉय कपूर का रोमांटिक अंदाज देखने लायक है, दोनों ने काफी स्टीमी सीन्स दिए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सड़क 2 कानूनी पचड़े में फंस सकती है। दरअसल हिंदुओं की भावनाएं आहत होने के कारण शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक वकील ने महाराजगंज जिले में जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में फिल्म निर्माता महेश भट्ट, मुकेश भट्ट और अभिनेत्री आलिया भट्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और बता दें आपको, जो ये फिल्म है ये कानूनी पचड़े में पड़ती नजर आ रही है। फिल्म की जो कहानी है वो काफी लीक से हटकर है। दरअसल माना जा रहा है कि जो फिल्म का जब पोस्टर भी आया था सड़क 2 का, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि पोस्टर में कैलाश पर्वत की एक तस्वीर थी जिसे हिंदुओं ने भगवान शंकर का निवास स्थल माना है। लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेत्री के नाम को पर्वत के ऊपर लिखा हुआ दिखाया गया है। उनके नाम और फिल्म के नाम को पवित्र पर्वत की तुलना में अधिक महत्व दिया गया है और यही वजह है कि इस फिल्म की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में इतना ही।